स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन, चलिए सुनाते हैं आपको आज की रेडियो बुलेटिन। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के आंकड़े जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1307 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें 59% यानी 778 केस इंदौर, भोपाल और जबलपुर के हैं। पिछले 7 दिन में एक्टिव केसों में 64% की वृद्धि हुई है, जो बड़े खतरे का संकेत है। सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति भोपाल, इंदौर और जबलपुर में है। कोरोना की रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है, उससे संभावना है कि अगले एक माह तक स्थिति एक साल पहले जैसी हो जाएगी। उज्जैन के भैरूगढ़ में पानी की टंकी से शनिवार सुबह एक युवक ने छलांग लगा दी। उसे बचाने पहुंचे पुलिस वालों की कोशिश चंद सेकंड की देरी से ही नाकाम हो गई। नीचे गिरने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहां मौजूद किसी शख्स ने इस मौत को कैमरे में वीडियो बनाकर कैद किया है। युवक पिछले 2 दिन से लापता था। उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी भी घटिया थाने में दर्ज करवा रखी थी। करीब 1 महीने पहले बीमारी से उसके पिता अनार यादव की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही भेरूलाल विचलित रहने लगा था। कोरोना के चलते 3 शहरों में लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला किया है कि 23 मार्च को पूरे प्रदेश में 2 बार सायरन बजेगा। 2 मिनट के सायरन में सभी लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का संकल्प लेना होगा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री लगन घंघोरिया ने विवादित बयान दिया है। एक बयान उन्होंने संविधान पर दिया तो दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को ये नहीं पता था कि संविधान में एक व्यवस्था लोकतंत्र में बिकने वालों के लिए भी रखनी पड़ेगी। आज भी बंधुआ मजदूर समाज में मौजूद है। सरकार रोजगार के कितने ही दावे कर ले, वास्तविकता उसके उलट ही नजर आ रही है। इसका जीता जागता उदाहरण ये खबर है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 41 मजदूर महाराष्ट्र के सोलापुर में बंधक बना लिए गए थे। इन 41 मजदूरों को प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। ये सभी मजदूर लौटकर मध्य प्रदेश के पन्ना में अपने घर पहुंचे। इन मजदूरों की दुर्दशा देखकर सरकार की मनरेगा योजना पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अगर आप किसी को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज दे रहे हो तो उसे लेने वाले शख्स की ठीक से जांच पड़ताल कर ले। शहर में आपके दस्तावेजों पर महंगी गाड़ियां लेकर फरार होने वाला अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय है। ऐसे ही एक मामले का गांधीनगर पुलिस ने जब खुलासा किया तो सारा राज सामने आ गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में फिर बारिश की आशंका जताई जा रही है। IMD ने चेतावनी दी है कि पूर्वी राजस्थान में विक्षोभ बना हुआ है, इसकी वजह से कई इलाके भीग सकते हैं। बीते 24 घंटों में भी कई जगह गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। इस वजह से जहां एक ओर मौसम में ठंडक बढ़ गई तो वहीं दूसरी ओर किसानों की चिंता बढ़ गई है। आज के रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर।